चर्चा न केवल प्रदेश में थी बल्कि पूरे देश के लोग उनके संगठन की सराहना किया करते थे। जहां कहीं भी ज्यादा लोग इकट्ठा होते थे, संगठन का जिक्र आता था, तो फिर इस बात को पहले भी किसी को संकोच भी होता था कि आज मैं सबसे बड़ा और सबसे संकेत और सबसे मजबूत और सबसे अनुशासित कोई संगठन है उस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। हमारी पार्टी का जनसंगठन मजबूत था, अनुशासित था। हमारे संगठन को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले समय में जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमारे संगठन को कमजोर किया। कुछ स्वार्थी किस्म के लोग जो थे उनको लालच लोभ देकर के पार्टी से अलग कर लिया। अब नए सिरे से फिर पार्टी का संगठन मजबूत हो और फिर से पार्टी के अंदर वो लोग वापस आपके साथ शामिल हो जो किसी गलतफहमी के शिकार हो, जाने अनजाने कहीं पार्टी छोड़कर के किसी गलतफहमी में चले गए, वो फिर से आपकी पार्टी में शामिल हो, इसके लिए हमने नए सिरे से अभियान को शुरू किया। मुझे उम्मीद है कि जिन साथियों को इसके लिए जिम्मेवारी दी गई है या जिनको आगे जिम्मेवारी सौंपी जाएगी, वो सब साथी पार्टी के लिए समय निकाल करके संगठन को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेंगे। जान चौटाला साहब ने एक बूथ 10 युद्ध का नारा दिया था और उसके तहत प्रदेश में संगठन खड़ा किया था। उसका नतीजा ये था कि जहां सन 1987 में उनको चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला, वही सन 2000 के संगठन के प्रकृति में उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में जाकर के खड़ा कर दिया था। हालात फिर इस किस्म के थे कि पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, अगर आपकी पार्टी में इतर घटना होता, आपकी पार्टी में कुछ लालची किस्म के लोग दगा ना करते तो फिर आप सत्ता में होते, फिर आपकी सरकार में। लेकिन साथियों, आज जो लोग आपको छोड़ करके गए, आज उनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। जिन लोगों ने आपसे अलग होकर के कहीं सत्ता के लालच में आकर के सरकार को ज्वाइन कर लिया, आज वो लोग किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में नहीं जा सकते, किसी राजनीतिक कार्यक्रम को कर नहीं सकते, यहां तक भी किसी के दुख में भी शामिल नहीं हो सकते। मुझे अच्छी तरह से याद है, वाणा के अंदर एक आमरी गांव है और आमरी गांव किसी और का नहीं, पूर्व विधायक एक किताब सिंह हुआ करते थे जिनके पिछले दिन एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जब उनकी डेथ हो गई थी तो उससे पहले जो बड़ौदा का चुनाव था उस चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद उस चुनाव के बाद में उनकी डेथ हुई तो किसान आंदोलन मंदिरों की पीठ पे था। मुख्यमंत्री ने उस गांव का कार्यक्रम बना दिया कि मैं उनके दुख में शामिल होकर के आऊंगा। आमरी गांव के लोगों ने बैठ करके पंचायत करके किताब सिंह मलिक के घर गए और उनके घर जाकर के उनको अपनी पंचायत का फैसला सुनाया कि हम नहीं चाहते कि हमारे गांव में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो किसानों के ऊपर तीन कृषि के काले कानून ठोक करके उस किसान को बर्बाद करना चाहता है। और उस पंचायत की बात को उनके परिवार ने स्वीकार किया, मुख्यमंत्री को टेलीफोन करके इतला दी कि आप हमारे दुख में भी शामिल नहीं हो सकते, आप आ नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब कि आज जो लोग सत्ता में बैठे, आज पूरे प्रदेश के देश के लोग उनको नफरत की दृष्टि से देखते हैं। आज उन लोगों को बिना सुरक्षा के कहीं अपने घर से बाहर भी कदम नहीं रख सकते। इसके जो लोग बीजेपी के, जो लोग जेजेपी के साथ थे,
आज वो दुखी है, परेशान है, आज वो आपके साथ मिलना चाहते हैं। कांग्रेस की नाक तो डुबियों में पड़ रही है, कांग्रेस ही तो आपस में लड़ रही है, आपके सामने है। परसों चौथे के अखबार में आया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी नई पार्टी बना रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नई पार्टी नहीं बना रहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डायरेक्शन दी जाती है, वो उनकी डायरेक्शन को मान करके उसी तरह के फैसले आगे करता है। बीजेपी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपस में मिले हुए हैं, आज से नहीं मिले हुए। आपको ध्यान होगा जब सुभाष चंद्र का राज्यसभा का चुनाव था, जिस वक्त मैं अपोजिशन का लीड हुआ करता था, उस वक्त में दो राज्यसभा की सीट खाली हुई थी और उनपे चुनाव होना था। एक सीट पे तो वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे और दूसरी सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थित उम्मीदवार खड़ा किया था, सुभाष चंद्र। वोटों की गिनती हमारी ज्यादा थी, 20 तो हमने अपनी पार्टी के थे और 17 कांग्रेस पार्टी के थे, 15 कांग्रेस के थे, 2 कुलदीप बिश्नोई और उसकी धर्मपत्नी दोनों विधानसभा के सदस्य थे, टोटल 37 बढ़ते थे और जरूरत थी 30 की। जब वो चुनाव आया तो मेरे पास कांग्रेस की तरफ से मैसेज आया, उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हो कि भारतीय जनता पार्टी का दूसरा सदस्य राज्यसभा में ना जाए तो हम आपस के अंदर कोई एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना सकते हैं जिस पे आप भी सहमत हो जाए और हम भी सहमत हो जाए। मैंने कहा कि आप अपनी तरफ से नाम दें, अगर कोई ऐसा नाम आएगा जिस पे हमें इतराज ना हो, आपको इतराज ना हो, हम उसमें सहमत हो जाएंगे। ऐसा नाम आया आरके आनंद का, जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट था, जो पहले कांग्रेस में था, फिर उसने हमारी पार्टी से चुनाव लड़ा। हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं, इसको खड़ा कर लेते हैं। उसको खड़ा किया गया, पूरे प्रदेश में ये मैसेज गया, देश में मैसेज गया कि हरियाणा के अंदर दूसरी सीट जो है दोनों पार्टियों ने मिलकर जिसको अपना उम्मीदवार बनाया वो जीत करके आएगा, क्योंकि संख्या बल ज्यादा था इसलिए जीतना था। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस चुनाव के अंदर पंच की शाही बदल करके और अपने 14 वोट कांग्रेस के कैंसिल करवा करके सुभाष चंद्र को जिताने का काम किया था। मैं उस गिनती के अंदर था जब वोटों की गिनती हो रही थी, किस तरह से इन्होंने किस चलाकी के साथ ये बेईमानी करी ये समझने की जरूरत है। जब वोट डल रहे थे तो कांग्रेस के लोग सबसे बाद में आए, भारतीय जनता पार्टी का अकेला एक ऐसा एमएलए था जिसने अपना वोट नहीं डाला। ये जो हमारा सिटी वाला है ना, क्या नाम है इसका, असीम गोयल, ये उनसे पहले अपना वोट डालने गया कि पेन से वोट पिक किया जाना था, इसने वो पेन उठा करके अपनी जेब में डाल दिया, बिल्कुल उसकी रूह में उनको पेन वहां पर दूसरा छोड़ दिया। कांग्रेस के लोग गए जाकर के उन्होंने अपने वोट डाले और जब 14 वोट डल गए, जब 14 कैंसिल हो गए तो जयप्रकाश इंडिपेंडेंट एमएलए हुआ करता था। उसके बाद ये गया कि इसने वो पेन उठा करके अपनी जेब में डाल दिया, जो पेन एक्टिव में था उस पेन को वहां छोड़ दिया और बाकी जो बच्चे में 3-4 मेंबर थे उन्होंने उस पेन से दूसरे से निशान लगा दिया। 14 कैंसिल हो, जब गिनती हो रही थी तो ना तो मैं उस टेबल के पास बैठा था, ना कोई और दूसरा कैंडिडेट बैठा था, ना कोई एजेंट बैठा था, मेरे से जितनी दूर प्रवीण बैठा है इतनी दूर गिनती हो रही थी और प्रारण ने वोट गिने तो निशान जब देखे तो एक ऐसे लगे, उसने 37 वोट तो कर दिया आरके आनंद की तरफ और बाकी वोट जो वीरेंद्र के थे वीरेंद्र के हक में डाल दिए, जब वीरेंद्र के लाए करते उनको अलग कर दिया। हमें यह लग रहा था कि हमारा कैंडिडेट जीत गया,
आज के चंद्रा जो सुभाष चंद्रा था वो मेरे पास बैठा हुआ था और बैठा बैठा कहते हैं कि मुझे शक है, आरोप को शिकायत करता है कि मुझे शक है कि जो फोटो पे निशान लगे हैं उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कोई सही बदली हुई है, उसको कहां से खुशबू आ गई, उसको कैसे पता चल गया कि सही बदली हुई है। जब उसने सही बदलने की बात की तो मैंने उठा की तरफ देख करके कहा मुखा तुम बिक गया। जब सुभाष चंद्र ये कह रहा है सही बदल गई तो फिर तेरे 12-14 जो साथी है उनकी सही बदल गई है, और वही हुआ जो 14 फोर्ट उसके साथ थे उन सबकी सही बदल गई थी, उन्होंने उसने बीजेपी की मदद कर दी, आपस में मिले हुए खेत भी मिले हुए। उसके बाद ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब अब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, शैलजा की टिकट काट के दीपेंद्र की टिकट दिया है, शैलजा के जो 8 MLA थे वो खुलम खुला कह रहे थे कि हम दीपेंद्र हुड्डा को वोट नहीं देंगे। मुख्यमंत्री को इस बात का पता था कि अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो कांग्रेस के 8 वोट जो है जो भी दूसरा इंडिपेंडेंट खड़ा होगा उसके पक्ष में बढ़ जाएंगे। कैसे दीपेंद्र बढ़े इसके लिए बीजेपी वालों ने दूसरा कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया, जबकि वोट तो बीजेपी को एक चाहिए था, 69 उनके पास थे, एक ही वोट चाहिए और 8 देने को तैयार, लेकिन कैसे उसका आसान उतरे इसके लिए उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, उसको जिता दिया। अब जैसे बीजेपी के लोग उसको हिदायत देते हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसी तरह से काम करते हैं, ये आपस में मिले हुए हैं, यानी आपस में मिले हुए हैं। वही कांग्रेस के अंदर आज बहुत बड़ी फूट है आपस में, हुड्डा तो शैलजा को कुछ नहीं समझता, शैलजा हुड्डा को नहीं मानती, ये रणदीप सुरजेवाला दोनों को कुछ नहीं समझता, किरण भी नहीं मानती। हालत ऐसी है कि कोई एक दूसरे को लीडर मानने को तैयार नहीं है, इसलिए साथियों आज लोगों की निगाह केवल और केवल आपके ऊपर लगी हुई है। अब लोगों को समझ में आ गया कि अगर तुम्हारा कोई सच्चाई ऐसी है, अगर कोई तुम्हें आगे आने वाले समय में कोई मदद कर सकता है, अगर तुम्हें कोई मान और सम्मान इज्जत दे सकता है तो वो केवल इंडियन नेशनल लोकतंत्र पार्टी है। आज जो दिन ओम प्रकाश चौटाला का 2000 से 2005 का जो राज है वो लोग याद करते हैं, उनके इस बात पर चर्चा करते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज के अंदर भ्रष्टाचार पे अंकुश था, उस वक्त कानून व्यवस्था जो दुरुस्त थी आज तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, आज कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, आज तो सरकार में बैठे लोग लुटेरे बनकर के दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। साथियों एक षड्यंत्र के तहत जब चौटाला साहब को जेल करवाई गई उसके बाद विधानसभा का सत्र आ गया, मैं विधानसभा में जब गया तो कांग्रेस के लोग देखकर देखकर के मुस्कुरा रहे थे, हमारी पार्टी के जो विधायक थे उस वक्त के उन्होंने कांग्रेस के लोगों पर आरोप लगाया कि आपने षड्यंत्र के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल भेजने का काम किया, आपस में विवाद बढ़ गया था, शोर शराबा ज्यादा हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सीट पे खड़ा हो गया मुख्यमंत्री थे, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़ा हुआ तो कहने लगा कि अवैध की आप अपने विधायकों को समझाओ, बजाय विवाद करने के आप कोई अच्छा वकील करो जो आगे अच्छी ढंग से पैर भी कर सके और आगे कोई राहत मिल सके। उसने कटाक्ष किया, मैंने उस दिन गांठ बांध ली थी कि अभी समय आएगा तो इसको इस बात का जवाब जरूर दूंगा। अब साथियों पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी कोर्ट में, कर दी थी ना कोर्ट में दाखिल, जब कोर्ट में दाखिल हुई अगले दिन अखबार की खबर थी कि हुड्डा को हुड्डा की श्रीमती को दोनों को कोरोना हो गई, ये खबर भी पड़ी थी इतनी बड़ी। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टेलीफोन किया और मैंने फोन करके कहा हुड्डा साहब अब
ठीक काम कर। मुझे कहने लगे कि मैं ठीक हूं, पर रिपोर्ट जो मेरी पॉजिटिव आ गई। मैंने कहा बच्चे अस्पताल में आ गए, चिंता ना करो, इस कोरोना से कुछ नहीं होगा, आप बच जाओ। लेकिन जो चार्जशीट तक की हुई है वोटर उससे नहीं बचोगे। कि कोई अच्छे वकील की जरूरत हो तो मुझे पूछे ना, अच्छे वकील करना। मैंने 10 साल धक्के खाए हैं, 10 साल कोर्टों के चक्कर काटे, मुझे पता है कौन कौन से वकील अच्छे हैं।